नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नीरू है और इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं पेपर कोड 890 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन्वेडर्स क्रोनोलॉजिकली। यहाँ पर कालक्रम के अनुसार आपको कुछ आक्रमणकारी दिए गए हैं जिन्होंने भारत के ऊपर हमला किया था। अब हमें इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है और सबसे पहले आने वाले आक्रमणकारी से हमें शुरू करना है। महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर और मोहम्मद घौरी, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है और थोड़ा इन डेप्थ पूछा गया है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है, इनका हमला हुआ था 712 एडी में। डेट आपको बता रही हूँ ताकि फिर हम अरेंज करें। उसके बाद कौन है? उसके बाद है महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1000 एडी में, ठीक है, इन्होंने हमला किया था और इन्होंने भारत पर कई हमले किए थे। 17 बार हमला किया था, जिनमें इनका जो सोमनाथ मंदिर पर हमला था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जो 1025 में हुआ था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। पर फर्स्ट हमला हम ले लेते हैं एक सन 1000 में हुआ था, 1000 AD। फिर है तैमूर। तैमूर का हमला दिल्ली पर हुआ था 1398, ठीक है, और उस टाइम जो तुगलक डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी दिल्ली पर। और हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? लास्ट वाला है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है, इनका इन्वॉल्वमेंट था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, और इन्होंने पहली बार हमला किया था 1175 AD में, जब मुल्तान पर हमला हुआ था। तो अगर अब आप इन ईयर्स को ले लें तो हम इनको जब अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, आंसर आएगा बी। ओके, बी इज द आंसर। सबसे पहले 712 ये फर्स्ट है, फिर उसके बाद ये 1000 है, फिर 1175 एंड फाइनली दिस वन। सो आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर है बी। Consider the following statements about the tropical deciduous forest. निम्नलिखित कथन उष्णकटिबंधीय प्रणपाती जंगलों के बारे में है, इनमें से कौन से सही हैं? आपको बताना है। सबसे पहला है, these are the most widespread forests of India. ये भारत के सबसे बड़े पैमाने पर फैले हुए जंगल हैं। दूसरा है, जो moist deciduous forest है वो झारखंड, वेस्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और तीसरा है, सागौन इस प्रजाति का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये तीन है हमारे क्वेश्चन नंबर 27। ये तीनों ही सही हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे यहाँ पाए जाने वाले मोस्ट वाइडस्प्रेड फॉरेस्ट्स हैं। ये झारखंड, वेस्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, और जो टीक है इनका सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर है ए, क्वेश्चन 27 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज संगा? संग क्या है? संग जो है ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है, ये इच्छाओं पर नियंत्रित करने का तरीका है, ये ध्यान ठीक से लगाने का तरीका है, या इनमें से ये कोई भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28। अब जो संघ है, SANGHA, संघा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये एक पाली का शब्द है नंबर एक, और इसका जो संस्कृत मीनिंग है उसका मतलब होता है एसोसिएशन। ठीक है, याद रखना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एसोसिएशन, और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुणियों का जो ग्रुप है, जो संगठन है, उसको कहा जाता है संघ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 28 आंसर इज डी। 29, क्वेश्चन नंबर 29, ही वॉज अ मैरिड मैन विद अ डॉटर व्हेन ही रिनाउंस द वर्ल्ड ऑल्दो ही एडवोकेटेड ब्रह्मचार्य, दीज लाइन्स आर एसोसिएटेड टू हुम। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि जब उन्होंने दुनिया त्यागी करने का मतलब है कि जब उनका जो सांसारिक चीजें, उनसे मोह माया खत्म हुई, तो वह उस वक्त वो एक शादीशुदा व्यक्ति थे और उनकी एक बेटी भी थी, हालांकि वह ब्रह्मचर्य का समर्थन करते थे। तो ये पंक्तियां किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29, ये पंक्तियां वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, कनिष्क या अशोक किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आंसर है ए, ये संबंधित है वर्धमान महावीर से। ठीक है, वर्धमान महावीर ये जैन धर्म से संबंधित है। इन्होंने राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कॉन्डक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, ठीक है, और सम्यक आचरण, इन तीनों पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और इन्होंने कहा कि इन तीनों को अचीव करने के लिए, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कॉन्डक्ट, हमें 5 vows फॉलो करने पड़ेंगे, 5 चीजों का अनुकरण करना पड़ेगा। उसमें एक था आपका अहिंसा, दूसरा था सत्य के पथ पर चलना, तीसरा किसी की कोई चीज न लेना, चौथा चीजों से लगाव न होना, और पांचवा था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर क्या है हमारा? 29 का आंसर है ए, वर्धमान महावीर।
अल हिलाल वॉज अ न्यूज पेपर पब्लिश्ड बाई, अल हिलाल जो है एक समाचार पत्र था, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपको बताना है कि ये जो समाचार पत्र है अल हिलाल, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले तो ये एक वीकली उर्दू लैंग्वेज का पेपर था, वीकली उर्दू लैंग्वेज का पेपर था ये, ठीक है। और इसको पब्लिश किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको पब्लिश किया था, और इसको यूज किया गया था एज अ मीडियम फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। और इसका जो फर्स्ट इशू है वो 13 जुलाई 1912 को सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का, ये किसने पब्लिश किया था? अल हिलाल न्यूज़पेपर, ये पब्लिश किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 30 का आंसर है ए। 31, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैड ग्रेटली हेल्प्ड इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कौन से प्रकार के परिवहन ने औद्योगिक क्रांति में बहुत मदद की थी? आपको ये बताना है औद्योगिक क्रांति में बहुत ज्यादा मदद की थी, रोड्स ने, रेल्स ने, रोड ट्रांसपोर्ट ने, रेल ट्रांसपोर्ट ने, वाटर ट्रांसपोर्ट ने, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट ने, वो कौन सा था जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, औद्योगिक क्रांति में बेहद मदद की थी? देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कभी कभी हमें नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बी, जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसने बेहद मदद की थी, क्योंकि जो रेल ट्रांसपोर्ट है अब वो चीजों को और तेज गति से ट्रांसपोर्ट कर सकता था एक एरिया से दूसरे एरिया पर, इससे बड़े बिजनेसेस जो है वो फल फूल सकते थे, बहुत सारे लोग जो है वो रेलवेज की मदद से कंट्री साइड से, गांव देहात से शहरों में आए, ठीक है। कोयला जो है वो माइनिंग करने के बाद सही जगहों पर पहुंचाया जा सकता था, और जो रेल रोड है उसने इंडस्ट्रीज को, कोल इंडस्ट्रीज वगैरह को काफी मदद की, तो इसलिए जो आपका रेल ट्रांसपोर्ट है उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इनमें से कौन से वो तरीके हैं जिससे मृदा का संरक्षण होता है? मल्चिंग, मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग में हम सॉइल के ऊपर एक लेयर बिछा देते हैं, पत्तों की लेयर है या किसी चीज की, जिससे कि जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिटेन होती है, उसका मॉइस्चर रिटेन होता है, वीड्स की ग्रोथ वगैरह नहीं होती है, तो इससे सॉइल कंजर्वेशन होता है। अगला है कॉन्टर बैरियर्स, सॉइल कंजर्वेशन के वो सभी तरीके हैं जिससे में सॉइल इरोजन नहीं होता, कॉन्टर बैरियर से भी सॉइल इरोजन में कमी आती है, और ये सॉइल कंजर्वेशन का तरीका है। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में हम एक ही प्लॉट पर दो तीन तरह की फसलें लगा देते हैं ताकि प्लॉट से हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सके, और साथ ही साथ एक तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट ना हो, तो इंटरक्रॉपिंग भी सॉइल कंजर्वेशन में मदद करता है, और शेल्टर बेल्ट्स भी सॉइल कंजर्वेशन में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, 32 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर है ए, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर क्वेश्चन 32। ये सभी मृदा संरक्षण के तरीके हैं। Who was a contemporary of कबीर, कबीर के समकालीन कौन थे? कबीर के समकालीन थे गुरु नानक, दादू दयाल, तुकाराम या फिर तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 33, कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर हैं गुरु नानक देव जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी जो है ये सिखिज्म जो रिलीजन है उनके फाउंडर हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है गुरु नानक जी का वो है 1469 से लेकर 1539 तक। और जो कबीर है, कबीर एक वीवर थे, एक मिस्टिक पोएट थे, बनारस में रहते थे, और इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड था 1440 से लेकर 1518 तक, ये इनका टाइम पीरियड है। तो क्या ये दोनों समकालीन है? यस, दे आर बोथ कंटेम्प्रेरीज। जो दादू दयाल हैं, ये सेंट हैं गुजरात से, और इनका टाइम पीरियड है 1544 से लेकर 1603, तो ये समकालीन नहीं है। फिर तुलसीदास जी जो है, इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड है 1543 से लेकर 1623। ओके, सो हु वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर, आंसर है हमारा गुरु नानक। 33, 34, व्हाट आर चिकन करी एंड फुलकारी, क्वेश्चन नंबर 34, चिकन करी और फुलकारी क्या है? ये पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, मार्शल आर्ट्स है, या एक प्रकार का भोजन है? चिकन करी और फुलकारी ये दोनों जो हैं ये एम्ब्रॉयडरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चिकन करी जो है ये लखनऊ से एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है, और जो फुलकारी है ये पंजाब से है, तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज गोइंग टू बी बी। 35, The famous book Sons and Lovers has been written by, जो प्रसिद्ध पुस्तक है Sons and Lovers, वो किसके द्वारा लिखी गई है? D.H. Lawrence,
एरिक बायरन, जेम्स जॉयस या फिर गोएथे, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है हमारा सन्स एंड लवर्स, आंसर है सन्स एंड लवर्स। डी एच लॉरेंस जो कि इंग्लिश राइटर हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, डी एच लॉरेंस। 35 आंसर इज ए। 36 Who among the following has not been awarded the Bharat Ratna? निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजा गोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस? क्वेश्चन नंबर 36। इनमें सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिनको की भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनको अवार्ड मिला था 1966 में, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, इनको मिला था ये 1957 में, और राजा गोपालाचारी को भी मिला था इनको 1954 में। तो आंसर क्या है हमारा, सुभाष चंद्र बोस, 36 डी। 37 The famous newspaper The Hindu is headquartered at, आप सब ने सुना होगा The Hindu एक newspaper है, English का newspaper। तो ये जो अखबार है The Hindu, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई या मैसूर, कहाँ पर स्थित है? 37 ओके। तो Hindu जो है ये एक English language का daily newspaper है और ये headquartered है चेन्नई में। आप ऊपर देखना, published जहां पर लिखा होता है उसके सामने लिखा होता है चेन्नई। ये स्टार्ट हुआ था 1878 में, ये इसका स्टार्टिंग ईयर है, और जब ये स्टार्ट हुआ था उस जमाने में ये वीकली न्यूज़पेपर था, केवल हफ्ते में एक बार ये छपता था, और उसके बाद 1889 से इसकी पब्लिकेशन स्टार्ट हुई। ये सेकंड मोस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है इंडिया का। 37 का आंसर क्या है, 37 का आंसर है सी, चेन्नई। 38 लेह, अ टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश। लेह शहर जो जम्मू और कश्मीर में है, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन है। लेह जो है ये जम्मू और कश्मीर में है और ये इंडस नदी के बैंक पर सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज गोइंग टू बी सी, इंडस। 39 The name of the Lakshadweep, Minicoy and Amindivi Island was changed to Lakshadweep by an act of the parliament in। संसद के अधिनियम द्वारा लाकाडीवी, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीपों के नाम लक्षद्वीप में कब बदले गए थे, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पहले लाकाडीवी, मिनिकॉय और अमिनदीवी आइलैंड के नाम से जाना जाता था, इसका नाम कब बदला गया? क्वेश्चन नंबर 39, इसका नाम बदला गया था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर है हमारा डी, 1973। ग्रांट्स इन एड इज गिवन टू द स्टेट्स फॉर, जो राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? राज्यों को सहायता अनुदान किस लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सुधार के लिए, या विभिन्न विकास योजनाओं और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी, विभिन्न विकास योजनाओं और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर इज डी। 41 फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग टेक्स प्लेस इन, फोटोकेमिकल स्मॉग कब बनती है? फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है सर्दियों में दिन के समय, ठीक है, फिर है समर में गर्मियों के मौसम में सुबह के समय, समर में गर्मियों के मौसम में दिन के समय, या विंटर में ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम? क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है हमारा बी, समर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, ठीक है। ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये समर सीजन में बनती है मॉर्निंग टाइम में। फोटोकेमिकल स्मॉग जो प्रोड्यूस होती है जब पोल्यूटेंट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जब फॉसिल फ्यूल रिएक्ट करता है सनलाइट के साथ, द एनर्जी इन द सनलाइट, जो एनर्जी होती है सनलाइट में, वो पोल्यूटेंट्स को टॉक्सिक केमिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो जितनी ज्यादा सनलाइट अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा फोटोकेमिकल स्मॉग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है बी। 42 Which of the following fertilizer has the highest nitrogen percentage? उच्चतम नाइट्रोजन की मात्रा कौन से उर्वरक में है? यहाँ पर आपको दिया गया है अमोनियम सल्फेट,
कैल्शियम साइनामाइड, फिर यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर है हमारा यूरिया। यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज है, ठीक है, यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर है हमारा सी। इसमें जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 47% है, याद रखना 42 का आंसर है सी। 43, द मिल्क ऑफ विच वन ऑफ दीज हैज मोर फैट कंटेंट। निम्न में से किसके दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? सबसे ज्यादा वसा की मात्रा किसमें है? गाय में है, भैंस में है, भेड़ में है या फिर बकरी में है? क्वेश्चन नंबर 43। अब आपको मैं सबका ही बता देती हूँ, जो गाय होती है उसके मिल्क में 1% फैट है, ये 1% फैट है उसके मिल्क में, काऊ में। बफेलो में कितना है? बफेलो में है हमारा 7-8%, ठीक है, 7-8% है बफेलो में। शीप में अगर हम बात करें, शीप का 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क जो होता है उसमें 7 ग्राम आपका फैट होता है, और उसके बाद जो गोट है उसमें है अप्रोक्सीमेटली 4%। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 43 का? आंसर है बी, बफेलो। Which of the following countries is not in Africa? इनमें से कौन सा देश है जो अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में नहीं है जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 44A, जॉर्जिया जो है वो अफ्रीका में नहीं है, ये लोकेटेड है वेस्टर्न एशिया में। घाना, युगांडा, मोरक्को, ये सभी के सभी जो है अफ्रीका में लोकेटेड है। 45, दरवाजा बंद कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर शटिंग द डोर ऑन। सरकार ने एक दरवाजा बंद अभियान चलाया है, जो ये सरकार का अभियान है, ये किस चीज के लिए दरवाजा बंद करता है? ये दरवाजा बंद करता है खुले में शौच जाने पर, महिलाओं पर के पर होने वाले अत्याचार पर, घरेलू हिंसा पर या विदेशी सामान पर। ये जो दरवाजा बंद कैंपेन है ये दरवाजा बंद करता है खुले में शौच जाने पर। और याद रखना कि अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड स्टार हमारे अमिताभ बच्चन जो हैं, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो लोगों से कहेंगे कि आप टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, खुले में शौच ना जाएं। इनफैक्ट काफी सारी जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि घर में टॉयलेट है, इसके बावजूद जो घर के पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, वो खुले में टॉयलेट जा रहे हैं। तो ये उस तरह के लोगों को, उस तरह के पुरुषों को टारगेट करता है कि आप अपने घर के दरवाजों के पीछे ही टॉयलेट जाएं। और इसके साथ जो एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, वो भी जुड़ी हुई हैं और वो भी जागरूकता फैलाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 45, ये दरवाजा बंद किस पर दरवाजा बंद करेगा? ओपन डेफिकेशन पर। 45A। 46, फार्मर्स ऑफ नाइल वैली, ये वैली है, आर नोन एज, जो नील नदी की घाटी के किसान हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मसाई, उनको कहा जाता है फेलिहा, जूलू या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का आंसर क्या है? 46 का जो हमारा आंसर है, उनको कहा जाता है जो वहां के फार्मर्स हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से उनको कुछ भी नहीं कहा जाता है, जो मसाई हैं, ये मिलेंगे आपको सदर्न कोरिया और तंजानिया में, ठीक है, यहां लिख देती हूँ, मसाई के सामने ये आपको मिलेंगे सदर्न कीनिया, ठीक है, कीनिया में और तंजानिया में, वहां करके फार्मर्स हैं ये। फिर फलाहिन जो है ये फार्मर है जो आपको मिलेगा नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में। फिर जूलो जो है ये आपको मिलेंगे सदर्न अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर है हमारा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कंप्यूटिंग जीएनपी। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पादक के संकगणन का एक तरीका नहीं है? आय दृष्टिकोण, एक्सपेंडिचर अप्रोच, सेविंग अप्रोच या वैल्यू एडेड अप्रोच? क्वेश्चन नंबर 47 आंसर है ए, इनकम अप्रोच, ठीक है। जीएनपी कैन बी डिफाइंड एज एन इनकम स्टैटिस्टिक विच इंक्लूड्स जीडीपी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर है ए। 48, Dash is the first country in the world to ban mining of metals. वो विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने धातुओं के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां का जो उनका एनवायरमेंट हो, जो उनका एनवायरमेंट है, जो वहां का पानी है, वो पल्यूट ना हो। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर है एल साल्वाडोर। ये क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ए, 48A। 49, Which was the first Afghan dynasty to rule Delhi? कौन सा दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान वंश था? दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान वंश था सैयद, लोदी, तुगलक या खिलजी? क्वेश्चन नंबर 49। लोदी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी जो थी
वो दिल्ली पर राज करने वाली पहली अफगान डायनेस्टी थी, ठीक है। इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, और राज किया 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर क्या है हमारा? 49 का आंसर है बी। 50, हवाईयन आइलैंड्स वर डिस्कवर्ड इन 1778 बाय लेजेंडरी। हवाई द्वीप की खोज 1778 में डैश ने की थी। वो कौन थे जिसने हवाईयन आइलैंड की खोज की थी? कैप्टन जेम्स कुक, जेम्स कैबट, क्रिस्टोफर कोलंबस या वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर है हमारा ए, कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। जनवरी 18, आपको तारीख बता रही हूँ, जनवरी 1778 को जो कैप्टन जेम्स कुक थे उन्होंने हवाईयन आइलैंड्स की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर है हमारा ए। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने अभी आपके साथ किया पेपर कोड 890 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन, ये खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।